मोदी जी ने पैर तो धुला लेकिन क्यों धुला, इस सवाल को जो भी कर्मचारी है चिंतित है कि आखिर क्यों धुला हमारे पैर। या मोदी जी के पैर धुलने से नहीं कोई पब्लिक होगा, आके दिखावे ना, ठेकेदारी चला रहे हैं, चार चार महीना तीन महीना तनख्वाह नहीं मिल रही है, हंसकाली में काम करते रहे यार, ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, न सारा महीना नौकरी न चौकरी, बस मेला ठेले कमाते हैं, गांव जाते हैं, डलिए टपरी बनाते हैं, बस हमको क्या चाहिए, हमको एक नौकरी चाहिए बस। वो तो हम चाह रहे हैं या हमारे बच्चे हैं या फिर हमें हमारे गांव में कोई रोजगार देंगे, कोई नौकरी दे सरकारी तो बढ़िया है, क्योंकि हम कभी नबेड़ा है, कभी हरिद्वार, कभी इलाहाबाद, जगह जगह भगते चाहते कमाने, हम अपने गाँव में रहें, वो चाहते हैं कोई हमें या कोई नौकरी मिल जाए स्थाई, या कोई रोजगार मिल जावे, या कोई कॉलोनी मिल जावे, हमें अभी तक कोई कॉलोनी नहीं मिली है। जो जिस तरह की रहने की जगह हम लोग, इस तरह में लोग अपने कुत्ते रखते हैं, सही बड़े बड़े लोग अपने कुत्ते रखते हैं, तो क्या हम लोग कुत्ते हैं इस देश के? आप बोलते हो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला यहाँ है, विश्व के सबसे बड़े मेले के सबसे बड़े सफाई कर्मचारी हम हैं, और ये सुविधा हम लोग को? आप पैर मत दो, हमारे पेट का देखो, हमारे भविष्य का देखो, ये कोई तरीका नहीं। हम तो सोचे थे कि हमको ऐसे बैठा रहे हैं, कुछ बात वत करेंगे। अरे काजा नहीं मूर्ख गवार, राजा मुआ हर के जतैया, काजा नहीं मूर्ख। ले गए बैठा दिए हमको पांचों लोग को, हम बैठ गए तो वहाँ पांच थालियाँ थी, तो हम कहा यार थाली तो बढ़िया है, ये काहे खींच रखी है, हम अपना सोच रहे थे, हम घबरा गए यार मोदी जी आ रहे हैं, पैर हमको धोना पड़ेगा, चलो ठीक है धो देंगे, इतना बड़ा मंत्री है धो देंगे। प्रधानमंत्री हम कहाँ, छोटी कास्ट हमारे पैर धो रहे हैं, तो पहले तो हम लोगों को शर्म आई। वो आए हमसे नमस्कार करा, हमने नमस्कार करा, आके हमारे पैर धोने लगे, उन्होंने पैर धोए, हमारा सम्मान करके चले गए थे। अब ये चाहते हैं कि अगर इतना सम्मानित कर दिए हैं तो अगर सम्मानित की जगह में कहाँ से हम लोगों को परमानेंट कर दे, सरकारी बना दे, ये हम चाहते हैं। हमको क्या चाहिए ना, हमको एक नौकरी चाहिए बस। बस झाड़ू लगा रही थी, साफ सफाई कर रही थी, कचरा फिटकी थी, अब क्या करना है। 24 तारीख को कितने बजे? 4 बजे मिलाई हुई हमसे। ऐसे घूमे एक जगह रही, अच्छा ही हो तो पढ़ाई लिखाई, अब जब हरिद्वार जा रहा है, इलाहाबाद जा रहा है, उज्जैन जा रहा है, मेला मेला में सगले जा रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे बताओ। हमारे बच्चे भी पढ़ लिखे लिखेंगे नहीं तो वही वो भी वो करेंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम तो कर ही रहे, बच्चे थोड़ा दुकान वकान खोले या कुछ अच्छे से, मतलब दुकान खोले या कोई केमिस्ट की दुकान अपने, ऐसे चाहते हम। 300 रुपया रोजनदारी मिला था तो कहाँ रहा थे बाबू जी, गंदगी सब लेटरिन धोलन, कितना कितना टट्टी धोलन, सब कुछ करा थे। मोदी जी ने पैर तो धुला लेकिन क्यों धुला, इस सवाल को जो भी कर्मचारी है चिंतित है कि आखिर क्यों धुला हमारे पैर, और बगैर पूछे पैर धुले, किसी के अगर पैर धुले जाते हैं तो पूछा जाता है कि आखिर क्यों धुल रहे हैं वो पैर। और हमारे जिन कर्मचारियों के पैर धुले हैं वो मोदी जी से एक बार पुनः फिर मिलना चाहते हैं और अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। अभी साल हम लोग को किसी लोगों का पिछले साल का वेतन नहीं मिला है, मेरा खुद नहीं मिला है, इसका मोदी साहब को ध्यान नहीं है, न योगी साहब को ध्यान है, सिर्फ ये उनको इतना ध्यान है कि हमें वोट मिलना चाहिए, हम वोट नहीं देंगे उनको। की थाली में जल बदल आयो, सुन की थाली में जल बदल